हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धर्मेंद्र मोजिद्रा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं गुजराती चेस जोन में। आज हम देखने वाले हैं कि चेकमेट कैसे करें बाय डिफरेंट पीसेस। हमने आज तक के मेरे वीडियो में स्टेलमेट, कैसलिंग, चेकमेट और सारे बेसिक रूल सीख लिए हैं, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी के पास अगर क्वीन या रूक या कोई एक पीस बच जाता है और सामने वाले के पास जब कुछ भी नहीं होता सिवाय किंग के, तो उसे आपको 50 मूव के अंदर चेकमेट करना होता है। अगर आप 50 मूव यानी 50 50 मूव में आपने चेकमेट नहीं किया तो गेम हो जाएगी ड्रॉ और आपकी जीती हुई बाजी दोनों को हाफ हाफ पॉइंट मिल जाएंगे, तो आपको आधे पॉइंट का लॉस हो जाएगा। इसीलिए खास करके कई लोग क्या करते हैं कि जब पीस बचता है तो चेकमेट करना आता नहीं है और सिर्फ चेक दे दे करते हैं और साथ में कंटिन्यू सामने वाले को किंग पे अटैक करते रहते हैं, सिर्फ चेक देते रहते हैं। ऐसे चेकमेट कभी नहीं होती। जैसे मैं यहाँ से चेक दे रहा हूँ कि यहाँ जा रहा है, मैं यहाँ से चेक दे रहा हूँ किंग ऊपर आ रहा है, तो आपको 50 मूव के अंदर चेकमेट करने के लिए आपको चेकमेट के रूल्स पता होने चाहिए कि कैसे हम कौन से रूल फॉलो करके उसे चेकमेट किया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिर्फ क्वीन से चेकमेट करना और उसके बाद दो रुक से चेकमेट कैसे करते हैं और लास्ट में मैं आपको डिफिकल्ट सिर्फ एक रुक से चेकमेट कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा, तो आपके बेसिक एंड गेम यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अच्छी गेम खेल के सामने वाले को जब भी आपके पास सिर्फ क्वीन या रूक या दो रूक बच जाते हैं तो गेम का एंड 50 मूव के अंदर कैसे लाते हो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपनी बुक और पेन लेके सारे रूल लिख लेने हैं आपको। तो मैं पहले क्वीन से चेकमेट के रूल्स लिखाऊंगा और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि कैसे चेकमेट करते हैं। तो चलो, पहला रूल लिखना है मेक एल सेफ बाय क्वीन। मेक एल सेफ मतलब जैसे नाइट का स्टेप होता है उतने डिस्टेंस में आपको अपनी क्वीन को पहले रखना है। नो चेक्स, आपको चेक कभी देना नहीं है, सिर्फ लास्ट में जब चेकमेट करने का टाइम आएगा तभी आपको चेक देना है क्वीन से, ये खास याद रखो। तो आपको चेक कभी देना नहीं है। दूसरा रूल लिखना है कि कॉपी मूव बाय क्वीन। कॉपी मूव क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद थर्ड रूल आपको लिखना है टॉप कॉपी व्हेन किंग रिचेस टू द कॉर्नर। सामने वाले का किंग जब कॉर्नर पे आ जाता है तो स्टॉप कॉपी कर देनी है। और फोर्थ रूल है ब्रिंग योर किंग फॉर सपोर्ट, मतलब कि हम बिना सपोर्ट के अगर क्वीन से चेक देंगे तो वो किंग हमारी क्वीन को मार देगा, तो उसे सपोर्ट की जरूरत होगी। इसलिए लास्ट में हम अपने किंग को सामने वाले के किंग के सामने ले जाके क्वीन को सपोर्ट देते हैं चेकमेट करने के लिए। और एक और रूल लिखना है अलर्ट फॉर अपोनेंट्स इलीगल मूव। अपोनेंट जब इलीगल करता है तो आपको साथ में कॉपी नहीं करते रहना है, आपको अलर्ट रहना है, आर्बिटर को बुला के उसकी इलीगल काउंट करवानी है और ऐसे दो इलीगल में सामने वाला ऐसे ही हार जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, पहला रूल फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल मैंने लिखा है मेक एल सेफ बाय क्वीन। सामने वाले का किंग कहीं भी हो, हम अपनी क्वीन से पहले एल सेफ, देखिए यहाँ पे एल डिस्टेंस बन गया है, तो अब हमने एल सेफ बना के फॉलो करना है। अब देखिए किंग कहीं भी जाता है, जैसे इधर जाता है तो अलर्ट फॉर अपोनेंट इलीगल, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे किंग कभी आ नहीं सकता क्योंकि क्वीन का चेक है, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। ऐसे ऐसे मूव अगर सामने वाला करता है तो आपको अलर्ट होके उसके इलीगल काउंट करनी है। अब वो अगर इधर जाता है या इधर जाता है आपको कॉपी करनी है। जैसे वो स्टैंडिंग में वन स्टेप चलता है तो आपको सिंपली अपनी क्वीन को स्टैंडिंग में वन स्टेप चलाना है। अगर वो स्लांट में वन स्टेप चलता है तो आपको भी डायगोनल में वन स्टेप चलाना है। अगर वो ऊपर एक स्टेप चलता है तो हम भी क्वीन को एक स्टेप स्टैंडिंग चलेंगे। जैसे वो यहाँ आता है तो हम भी उसकी कॉपी करेंगे। और हर बार देखो दोस्तों, एल कंटिन्यूस बनता जा रहा है तो ये एल कायम रखना है।
और तब तक रखना है कि सामने वाले का किंग कॉर्नर में ना जाए। अब देखिए यहाँ पे उसे धीरे धीरे हम कॉर्नर में ला रहे हैं। अब उसके पास सिर्फ ये दो मूव है, जहाँ पे हम कॉपी यहाँ तक करेंगे और तीसरा जो हमारा रूल है स्टॉप कॉपी, क्योंकि किंग कॉर्नर पे आ गया इसलिए कॉपी स्टॉप कर देनी है। अगर अब भी आपने कॉपी किया तो गेम हो जाएगी स्टेलमेट और गेम ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पे अलर्ट भी रहना है कि सामने वाला किंग कॉर्नर में आ जाए तो आपको स्टॉप कॉपी कर देनी है। हम फोर्थ रूल अब फॉलो करेंगे, उसके पास ये दो जगह है चलने के लिए, उसे रहने देनी है। हम किंग को उसके पास लाएंगे सपोर्ट के लिए। अब King H7, King F3, King H8, King F4, King F7, King F5, King H8, King F6 यहां तक लानी है और अब आपको मिल जाएगा सपोर्ट। दोस्तों खास ध्यान रखना है सपोर्ट के लिए आपका किंग, अगर सामने वाले के क्वीन यहाँ पे है इस कॉर्नर में तो आपका किंग होना चाहिए F6 स्क्वायर में, अगर उसका किंग A8 में है तो आपका किंग होगा C6 स्क्वायर में, अगर उसका किंग यहाँ पे हो तो आपका किंग लाना चाहिए C3 स्क्वायर में, इतना ध्यान रखो। अब हम देखेंगे दो रुक से मेट कैसे करते हैं। तो दो रूप एकदम आसान है, इसमें आपको चार रूल लिखने हैं। फर्स्ट रूल कॉर्नर द रूक्स, दोनों रूक को कॉर्नर में लेना है। दूसरा रूल आपको लिखना है कट ऑफ द किंग। तीसरा रूल आपको लिखना है गिव चेक फ्रॉम साइड 1/1 रूक। और फोर्थ रूल है डू फ्रेंडशिप, मतलब डू सपोर्ट। तो ये चार रूल से हम सामने वाले के किंग की चेकमेट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अगर ये किंग यहाँ से है, फॉर एग्जाम्पल हम ऑलवेज ऐसे ही एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जहां पे किंग हमारे एकदम करीब हो और हम ज्यादा से ज्यादा मूव में उसे मेट कर सके, क्योंकि कम से कम मूव में मैं आपको बताऊंगा तो प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल है कॉर्नर द रूक, मतलब हम एक रूक को यहाँ पे रखेंगे, अब वो किंग खेलेगा, हमें दूसरा रूल भी दूसरे कॉर्नर में लेना है। अब वो जो भी करेगा हमें दूसरा रूल फॉलो करना है, कट ऑफ द किंग, मतलब किंग की लाइन कट करनी है किसी भी एक रूप से। तो यहाँ पे हमने लाइन कट कर दी। अब देखिए किंग यहाँ जाए या यहाँ जाए कहीं भी मूव करता है तो हमें दूसरे रूप से चेक देना है साइड से। देखिए खास ध्यान रखना कि जिस रूप से आपने लाइन कट की है वो रुक से आपको चेक नहीं देना है, आपको यूज करना है दूसरा रुक। अब रुक A3 चेक, किंग यहाँ आता है तो हमें फोर्थ रूल जो है मेक फ्रेंडशिप, क्योंकि हम अभी चेक ये रुक से नहीं दे सकते, क्योंकि ये रुक से अगर चेक देंगे तो सामने वाला किंग उसे मार देगा और हमारे पास एक रुक ही बचेगा। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंडशिप यानी सपोर्ट करना है, इस रुक को इसी रुक से सपोर्ट करना है एक स्टेप ऊपर रख के। अब देखिए ये इसे मार नहीं सकता, उसे किंग को मूव करना होगा कहीं दूर और बाद में हम चेक दे सकते हैं। जब भी आप चेक नहीं दे सकते तो ध्यान रखना है कि सपोर्ट करना है, जैसे कि किंग इधर गया तो हम यहाँ से सपोर्ट करेंगे क्योंकि अभी हम चेक नहीं दे पा रहे। अब किंग इधर जाता है, यहाँ पे चेक दो, जैसे ही वो ऊपर जाता है दूसरे रुख से चेक दो। 1/1 आपको दोनों रुख का यूज करना है, एकदम आसान तरीका है चेकमेट करने का, क्योंकि ये लाइन में वो ऊपर जा नहीं सकता, हर बार हम बॉर्डर बंद करते हैं, जैसे इधर जाता है अब लास्ट में ये रुक से चेकमेट आसानी से हो जाएगी। अब दो रुक से चेकमेट सबसे सिंपल है, दोनों रुक से एक रुक से लाइन कट होती जाती है और दूसरे रुक से चेक देके उसे नीचे भेजा जाता है। चलिए अब हम लास्ट एक रुक से चेकमेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन वो भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें भी दो रूल सेम है, पहला रूल है कॉर्नर द रुक, दूसरा रूल है कट ऑफ द किंग, थर्ड रूल है गिव चेक फ्रॉम साइड व्हेन किंग अपोज टू योर किंग, सामने वाला किंग आपके किंग के अपोजिशन में आता है तब साइड में से चेक देना, ये ध्यान रखना है। और एक और रूल है डू वेटिंग मूव व्हेन किंग मेक एल शेप, सामने वाला किंग जब एल शेप बनाता है तो आपको वेट करना है, यानी वेटिंग मूव वो क्या होता है वो मैं बताता हूँ। और एक और भी रूल है जब हम चेक देते हैं उसके दूसरे मूव में आपको अपने किंग से एल बनाना है, मेक एल से बाय योर किंग। तो शुरू करते हैं, पहला रूल कॉर्नर द रुक, हमने रुक को कॉर्नर में ले लिया, अब सामने वाला किंग जैसे कि इधर जाता है तो दूसरा रूल फॉलो करेंगे,
कट ऑफ द किंग, हमने किंग को कट ऑफ किया। अब देखिए अगर वो किंग सामने आता है तो बिल्कुल अपोजिशन स्टैंडिंग लाइन में हुई, तब आपको साइड से चेक देना है। चेक कब देना है? जब दोनों किंग आमने सामने की लाइन में हो। अब ये नीचे उतरना कंपलसरी है क्योंकि ये तीनों स्क्वायर में किंग का अटैक है, नीचे उतरेगा। अब हमें किंग से एल बनाना है, एल शेप, यानी जैसे हम क्वीन से एल बनाते थे, इसमें किंग से एल बनाना है। अब देखिए वो अगर सामने आता है तो नीचे से चेक देना है साइड से, और इस साइड जाता है तो एल को फॉलो करते रहना है। तब तक फॉलो करना है जब तक उसका किंग हमारे सामने अपोजिशन में नहीं आए। देखिए यहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ, अब ये किंग बी टू, अब उसे कंपलसरी सामने आना पड़ेगा, साइड से चेक दे दो, फोर्सफुली नीचे जाएगा, फिर एल बनाओ। अब देखिए वो इधर आता है तो यहाँ से साइड से चेक, नीचे उतरता है तो किंग से एल बनाओ। अब तब तक उसे एल फॉलो करो जब तक वो हमारे सामने नहीं आए। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, जब हमारे रुक पे वो अटैक करता है तो आपको दोनों किंग की बीच की लाइन कट रख के ही अपना रुक चलाना है, और बिल्कुल अपोजिट साइड दूर ले जाना है ताकि वो जल्दी अटैक ना कर पाए। अब वो इधर आएगा तो उसने एल बनाया, यहाँ पे हम करेंगे वेटिंग मूव। अपोनेंट एल बनाता है तो रुक को एक स्टेप का वेटिंग करो ताकि वो हमारे सामने आए। अब वो सामने नहीं आएगा, साइड चलेगा, हम भी साइड चलेंगे, और लास्ट में उसे हमारे बिल्कुल सामने आना पड़ेगा। और सामने जैसे ही आता है साइड से चेक दे दो, फोर्स नीचे जाएगा, फिर से एल बनाओ। यही तरीका कंटिन्यू रखना है। और ये चेक यहाँ पे आया, हमने यहाँ से एल बनाया। अब देखिए अगर यहाँ आता है तो मेट हो जाती है, इसीलिए वो यहाँ नहीं आएगा और इस साइड जाने का ट्राई करेगा। हम उसे फॉलो करते रहेंगे, जैसे ही कॉर्नर में आएगा उसे लास्ट में हमारे सामने आना पड़ेगा, और यहाँ फोर्सफुली हो जाएगी चेकमेट। तो ये तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको ये एक रूप से चेकमेट का आइडिया आएगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि अपोनेंट जब सामने आता है तो साइड से चेक देना है, और दोनों किंग के बीच की लाइन आपको कट करनी है, और किंग से एल बनाना है, और वेटिंग मूव तब करना है जब अपोनेंट एल बनाता है। तो इतने कुछ स्टेप्स, इतने कुछ रूल्स याद करोगे तो आसानी से आ जाएगा चेकमेट करना। इसकी प्रैक्टिस आपको अपने मम्मी पापा या भाई बहन से किसी से भी घर पे करती रहनी है, जब तक आपको जल्दी से जल्दी चेकमेट करना नहीं आ जाए। तो चलो दोस्तों, मैं अपने नए वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।